हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी फूड्स के बारे में। ऐसे कौन से विटामिन डी वाले फूड हैं जिन्हें खाने से आपके शरीर की विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जरूरी टिप देते हैं विटामिन डी के बारे में, आप ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे लोग घर से बाहर जाने के लिए डरते हैं, वो ये सोचते हैं अगर वो घर से बाहर जाएंगे धूप में तो उनकी स्किन जल जाएगी, डार्क सर्कल हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनियां हैं उन्होंने हमें डरा के रखा हुआ है कि हम अगर उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम काले हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप थोड़ी देर के लिए धूप में जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो आप नेचुरल तरीकों से इस्तेमाल कीजिए। आप कच्चे पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं धूप में जाने से पहले, स्किन पर लगा सकते हैं। सेकेंड आपका है गुलाब जल का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके आँखों के लिए और आपके स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। थर्ड नंबर पे हमारा एलोवेरा, आप एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं आपकी स्किन के पास, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा धूप में जाने से पहले। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए आप अभी से लाइक कर दीजिए। बिकॉज जब आप लाइक करना भूल जाएंगे तो जो जरूरतमंद है, जिन्हें जरूरत है हमारी वीडियो की, वो हमारी वीडियो तक नहीं पहुंच पाते, वो ये वीडियो उन तक नहीं पहुंच पाती आपके लाइक ना करने की वजह से। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। विटामिन डी की कमी होने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो आज मैं आप लोग को ऐसे तीन फूड के बारे में बताऊंगा जिन्हें लेने से आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा है होल फैट मिल्क, मतलब फुल क्रीम दूध। शहरों में आजकल ज़्यादातर लोग स्किम मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, वो उसे पीने के बाद वो लोग सोचते हैं कि उन्हें विटामिन डी और कैल्शियम सब कुछ मिल चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बात बिल्कुल भी ना भूलें, विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्यूबल विटामिन होता है, मतलब गुड फैट्स आपको लेने पड़ेंगे विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। जो स्किम मिल्क होते हैं उसमें से तो फैट निकाल लेते हैं, मतलब न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। जो आपको दैनिक ज़रूरत है विटामिन की, अगर आप एक ग्लास दूध पियेंगे ना होल फैट वाला, फुल क्रीम वाला, तो उसमें आपको 20% विटामिन डी मिल जाता है, जो पूरे दिन में आपको ज़रूरत है। तो फिर उसके साथ में आप एग, जो येलो पार्ट होता है ना, उससे भी ज़रूर आप खाएं, दिन में 1 से 2 तो आपको खाना चाहिए, उसमें भी विटामिन डी आपको मिलता है। तो फिर आप स्किम मिल्क छोड़ के आप एक ग्लास दूध पी सकते हैं होल फैट मिल्क। और जो ये लोग ये सोचते हैं कि उनका वजन बढ़ जाएगा फुल क्रीम दूध पीने से, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो अपना उनका कार्बोहाइड्रेट्स होता है दूसरे खाने में, उसे कम कर सकते हैं और सुबह एक ग्लास दूध पी सकते हैं, उन्हें विटामिन डी भी मिल जाएगा और उनका वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो सेकंड नंबर पे हमारा आता है मशरूम। मशरूम इस दुनिया का एक अकेला ऐसा प्लांट है जिसमें विटामिन डी भरपूर होता है, क्योंकि ये मशरूम धूप में पैदा होते हैं, इसलिए इसमें विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है। ये जो सूरज से जो किरणें निकलती है उनमें से विटामिन डी अपने अंदर सोख लेते हैं। मशरूम के अंदर सिर्फ विटामिन डी नहीं होता, इनके अंदर विटामिन B1, B2, B5 और कॉपर भी होता है, और इतनी इनकी अच्छी मात्रा होती है कि आप इन्हें, जो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं धूप में रखे हुए मशरूम, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, तो आप मशरूम को भी शामिल कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पर हमारा है ऑरेंज। ऑरेंज में बाकी सभी फूड से सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन ऑरेंज जूस आपको हमेशा फ्रेश पीना चाहिए। आपको कभी भी पैकेट वाले, डिब्बे वाले ऑरेंज जूस नहीं पीना है, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव डालने की वजह से उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। आपको हमेशा फ्रेश ऑरेंज खाना है या फिर फ्रेश ऑरेंज का जूस ही पीना है, उसमें आपको पूरे विटामिन्स मिलेंगे। अच्छा, ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, सर विटामिन डी का लेवल कितना होना चाहिए? तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो फिर आपकी बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो 20 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से 50 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर के बीच में अगर होता है तो इसका मतलब आपकी विटामिन डी नॉर्मल है। उससे अगर कम आता है तो फिर आप समझ लीजिए आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। सेकंड क्वेश्चन आप ये पूछते हैं, लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमें विटामिन डी के लिए बेस्ट टाइम क्या है धूप में जाने के लिए? तो आपका जो बेस्ट टाइम है धूप में जाने के लिए वो मॉर्निंग का रहता है, क्योंकि जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो फिर उसमें फ्रेश एयर भी मिलती है आपको, और जो धूप मिलती है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती, आपकी स्किन पे और आपकी आँखों में वो धूप चुभती नहीं है, तो फिर वो आपके लिए बेस्ट टाइम होता है सुबह 8 to 9।
आप धूप जाके धूप ले सकते हैं। विटामिन डी के संपर्क में आने से आपकी बॉडी बहुत ही अच्छा रिएक्ट करती है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर आपको विटामिन डी से जुड़ी हुई या फिर किसी अदर विटामिन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम आती है हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।